हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, अभिभावकगण, विद्यार्थीगण, देवी और सचिव, जब हम लोग विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आचार्य देवव्रत जी को अभी सुन रहे थे, बहुत सार कर रहे थे और सही मायने में जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया वो हम सबके जीवन में, सबके जीवन में, जो आज दीक्षांत समारोह में आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, सबके लिए काम की बात है। और जब मैं इस प्रांगण में आया तो मेरी सबसे पहले प्रतिक्रिया मैंने दी मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ पर इस विश्वविद्यालय में जगह की कमी है, जगह छोटी है, लेकिन आप सब लोगों का दिल बहुत बड़ा है। विश्वविद्यालय के, और जब मैं उस समय ऊपर सीढ़ियों से चढ़ रहा था, एक बात मैंने और भी साझा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी, आपको असुविधा हो रही है क्योंकि दीक्षांत समारोह का जहाँ कार्यक्रम है वहां तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां उतरनी और चढ़नी पड़ती हैं। तो मैंने कहा जीवन का सार भी यही है, जहां उतार चढ़ाव होता है। विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच में मैं आकर प्रसन्न हो रहा हूं। रवि, व्यास, सतलुज और चंद्रभागा नदियों की निर्मल जल धाराओं वाले हिमाचल प्रदेश में स्थित यह विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और प्रदेश के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं पहली बार इस प्रदेश में लगभग 40-42 वर्ष पूर्व आया था, 1974 में, और उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, और यहाँ की कुछ विशेषता है जो मुझे भी बार बार खींच लाती है। और सचमुच में जब मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया, पहले आमंत्रित किया टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए, उसके पश्चात इसे यहाँ आने के लिए भी, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए और अच्छा मौका है लेकिन हिमाचल जाने का है। उसके साथ साथ मैंने ये भी सोचा कि मैं जिस जगह जा रहा हूँ, मैं किसी के अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण कर रहा हूँ। ये अधिकार क्षेत्र सचमुच में आचार्य देवव्रत जी का है, लेकिन ये क्योंकि वो कुलाधिपति है, लेकिन ये तो उनका भी बड़प्पन है कि उनका भी जब हमें निमंत्रण मिला तो मैं बार बार कहता था कि नॉर्मली मैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं मैं वहां नहीं जाता, लेकिन फिर भी वो कई कारण थे जो मेरा आकर्षण था आपके प्रदेश के प्रति। प्रदेश अर्थात केवल ये वादियां नहीं बल्कि यहाँ लोगों के प्रति है, लोग बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल, और जो देवभूमि कहा जाता है वो देवभूमि पर रहने वाले सच कुछ आप सब लोग, यदि आपको देव पुरुष भी कहा जाए तो अच्छी युक्ति है। मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि मेरा पूरे भारत में आना जाना सभी जगह होता है, मैं किसी क्षेत्र की तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक थोड़ा सा कंपैरेटिव नरेशन आ जाता है। अब
अपनी विशिष्ट वेशभूषा प्राकृतिक छटा और प्रदेश में जब भी मैं आता हूं तो एक नवीनता और ताजगी का अनुभव करता हूं। हिमाचल प्रदेश के युवा न केवल समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि देश की रक्षा में भी सदैव आगे रहते हैं। प्रदेश की आबादी को देखते हुए सैन्य बलों में हिमाचल प्रदेश के सैनिकों का प्रतिशत देश में सबसे अधिक है। सैन्य बलों में अपने पराक्रम और शौर्य के बल पर उनकी विशेष पहचान है। चार परमवीर चक्र प्रदेश के सैनिकों को प्राप्त हो चुके हैं। सैन्य बलों का सुप्रीम कमांडर होने के नाते मैं उनकी सेवाओं और बलिदान के प्रति पूरे देश की कृतज्ञता प्रदर्शित करता हूं। प्रदेश में आदिवासी समाज भी बड़ी संख्या में है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना से ही इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। अपने शैक्षिक एवं सामाजिक दायित्वों का बेहतर ढंग से अनुपालन करने के लिए उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्था NAAC से एक ग्रेड भी मिला। ये किसी भी विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षण की शुरुआत की थी और अब यह विश्वविद्यालय देश का पहला मॉडल डिसेबल्ड फ्रेंडली विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूं। हर विश्वविद्यालय को अपने वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर गर्व होता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों ने न्यायपालिका खेल कूद और जन सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में नाम कमाया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति श्री हामिद करजई वो इसी विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है। जस्टिस राजीव शर्मा, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस धर्मचंद चौधरी, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस संदीप वर्मा, जस्टिस चंद्रभूषण के साथ साथ और ऐसा लगता है कि शायद न्याय देने की प्रक्रिया में मैं इसे कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश अग्रणी रहा है। इसके साथ साथ 1964 की हॉकी टीम के कप्तान श्री चरणजीत सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी सुमन रावत मेहता और ऐसे ही तमाम नाम हैं जिन्होंने इस विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश और देश का नाम रोशन किया। सार्वजनिक जीवन में जाने वाले भी अनेक विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं। मैं उसमें बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा लेकिन आपके वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी वो इसी विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट है और ये पूरे प्रदेश को एक गौरव मिला। आज वो जब अपना इस सभागार में उद्बोधन दे रहे थे तो आपने देखा होगा, स्वाभाविक होता है कुछ इमोशंस भी आए और ये हर किसी के लिए होता है जो जहां शिक्षा प्राप्त करता है, जिसको पदक मिलता है, मेडल मिलता है, उसका जुड़ाव पूरे जीवन भर उस प्रांगण से रहता है। मुझे बताया गया है कि लगभग 21 महीने बाद ये विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है। यह अवसर जहां अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने का होगा वहीं अपने लिए एक नया लक्ष्य भी तय करने का होगा। आप जानते होंगे कि भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा के 20 संस्थानों को इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस का दर्जा देने का निर्णय लिया। अभी हाल ही में कुछ संस्थानों को यह दर्जा दिए जाने की घोषणा भी की गई है। यह सर्वथा उपयुक्त होगा कि देश के 903 विश्वविद्यालयों में से एक हिमाचल प्रदेश विद्यालय
विश्वविद्यालय अपनी स्वर्ण जयंती को यादगार बनाने के लिए इन 20 उत्कृष्ट संस्थानों में स्थान बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। और ये एक चुनौती भी है, लेकिन जब जो शिक्षा की उत्कृष्टता है, एक्सलेंस इन एजुकेशन, उसको देख करके लगता नहीं है कि आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते, बशर्ते कि एक बार आप संकल्प कर लें, तो मुझे लगता है कि ये शायद आपका संकल्प पूरा हो सकता है। इस काल में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का मार्गदर्शन आपको सतत प्राप्त होता रहता है। वे स्वयं एक शिक्षाविद और समाज सेवी रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के प्रकल्पों में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। अपनी दूरदृष्टि और ऊर्जा से प्रदेश को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को उनका सक्रिय सहयोग भी प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी देश की युवा शक्ति का आधार विद्यार्थी ही होते हैं। भारत इस अर्थ में भाग्यशाली है कि दुनिया की विशालतम युवा शक्ति आज भारत के पास है। बदलाव लाने की अपार शक्ति युवाओं और विद्यार्थियों में होती है। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों की अपनी यात्राओं के समय उनकी गतिविधियों के देखने सुनने का मेरा प्रयास रहता है। इन यात्राओं के दौरान एक सुखद और संतोषजनक तथ्य मेरे ध्यान में हर जगह आता है और आपका विश्वविद्यालय भी इससे अछूता नहीं है कि पढ़ाई लिखाई सहित अनेक क्षेत्रों में बेटियां आज बेटों की तुलना में आगे बढ़ रही हैं और ये हर दिशा में। और इसको मैं मानता हूं कि ये एक सुनहरे भारत की एक ये झलक है। अभी तक सार्वजनिक जीवन में कभी कभी मैं उस पर विशेष कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक संक्षेप में बात कहूंगा। सार्वजनिक जीवन में बहुत कुछ चल रहा है महिलाओं के आरक्षण के लिए, 30% 50% इसकी बातें होती रहती हैं, लेकिन जिस गति से बिना आरक्षण के हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि शायद बेटियों के लिए आरक्षण नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं, बल्कि पुरुषों के लिए आरक्षण की बात होगी। और ये तो इनकी शक्ति देखिए हमारी बेटियों की, कि बिना आरक्षण के आगे बढ़ रहे हैं। अभी जब एक बेटी को मैं सम्मान दे रहा था मेडल से, तो दो दे दिए, तीसरा फिर मेरे हाथ में दिया गया, चौथा जब आया तो मैंने पूछा, बेटी से पूछा, बेटी ये सचमुच में तुम्हारा ही है? एक बहुत बहुत ऊंची छलांग हमारी बेटियां लगा रही हैं और ये हम सब लोगों के लिए एक गौरव की बात है, एक आत्मचिंतन की भी बात है, लेकिन हम सबके लिए एक गौरव की बात है और एक सुनहरे भविष्य की एक झलक है। आज के दीक्षांत समारोह में जिन 230 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं, उनमें बेटियों की संख्या 180 है। मुझे अवसर मिला है केवल 10 बेटियों को ही स्वर्ण पदक देने का, लेकिन ये टोटल संख्या का मैं उल्लेख कर रहा हूं। इतना ही नहीं, जिन 170 विद्यार्थियों को आज पीएचडी उपाधि दी गई है, उनमें भी बेटियों की संख्या बेटों से अधिक। यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि आज जिन विद्यार्थियों को इस मंच पर स्वर्ण पदक देने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ, वे सभी बेटियां हैं। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को इसके लिए बधाई देता हूं। ये बदलाव न केवल प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए उन्नतिकारी और कल्याणकारी। आज जो डिग्री होल्डर है या पदक विजेता है, आप जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने में आपके शिक्षकों का, परिवार का, विश्वविद्यालय का और पूरे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप सबको इस योगदान के महत्व को पहचानता है और हमेशा जीवन भर याद रखना है।
जब जीवन भर याद रखेंगे तो आपको आचार्य देवव्रत जी की बात याद आएगी कि वी हैव ए कमिटमेंट टू पे बैक टू द सोसाइटी। जो हमें मिला है उसी को हमें देना है और यही एक हम सबका दायित्व जो है वो आज से प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी करके आज से आप जीवन में अन्य प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में या कर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो हमारी परंपरा में कहा गया है कि शिक्षा कभी पूरी नहीं होती, जीवन भर चलती है और इस सत्य को समझ लेना ही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है। फिर भी शिक्षा प्राप्त करके और प्राप्त की गई शिक्षा के सदुपयोग की दीक्षा लेकर जिस नए अनुभव संसार में आप प्रवेश करने जा रहे हैं वहां अनेक चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन इन सब चुनौतियों को अवसरों में बदलकर जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना ही आपकी शिक्षा की सार्थकता होगी। आज हमारे सामने एक नई दुनिया उन्मुक्त और संभावनाओं से भरी दुनिया। विश्व की नजर आज एशिया पर है, हमारे देश पर है। हमारी अर्थव्यवस्था आज 7.3% की मजबूत दर से बढ़ रही है और अब विश्व में छठे स्थान से पांचवें स्थान की ओर अग्रसर है। हमारे युवाओं के सामने मेधावी वैज्ञानिक, इनोवेटिव इंजीनियर्स, एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर्स बनने के साथ साथ उन्नत चिकित्सक, शिक्षक और बिजनेस लीडर बनने के असंख्य अवसर मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर मैं आपकी भागीदारी प्रतीक्षा कर रही हूं। इन अवसरों को अपनी मुट्ठी में करने की क्षमता रखने वाली युवा शक्ति हमारे पास है। जरूरत है तो बस अपनी शक्ति को पहचानने की और इन अवसरों का भरपूर उपयोग करने की। और मुझे विश्वास है कि हमारे देश के नौजवान चुनौतियों पर विजय पाकर उन्हें अवसरों में बदलकर आगे बढ़ते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हर विद्यार्थी का ये स्वप्न होता है कि वे अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी, अपने परिवार की तथा देश की, समाज की प्रगति और कल्याण के लिए सदैव काम करता है। इस मार्ग पर बढ़ने के लिए पहली सीढ़ी आज आप लोगों ने हासिल कर ली। आज जिन विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा और गोल्ड मेडल्स प्राप्त हुए हैं मैं उन सबको बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। संयोग से भारत के एक महान वैज्ञानिक, उन्होंने भी शिक्षा पाई होगी, अच्छी शिक्षा पाई होगी और तभी वो भारत के वैज्ञानिक बने, एटॉमिक साइंटिस्ट होमी जहांगीर भाभा। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनके जन्मदिन पर केवल अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबके स्मरण में ला रहा हूं कि जो वैज्ञानिक इस देश का इस स्तर तक पहुंच सकता है तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों में से ही आज जिनको पदक मिले हैं अथवा डिग्रीज मिली हैं उन्हीं सब में आप में से ही जो है वो होमी भाभा भी पैदा होंगे, जैसी बोस भी पैदा होंगे। एक बात का और मैं उल्लेख करता हूं, बाय वर्चू ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया I happen to be the visitor arch chancellor of 146 central universities or institutes of national importance like IIM, IIT, IIIT, like this. और मेरी विशेष रुचि है उच्च शिक्षा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा हर विश्वविद्यालय, जो अभी भी हमने 20 उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की बात कही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरी इच्छा है कि हमारे विश्वविद्यालय भी इतने उत्कृष्टता में आगे बढ़ते जाएं कि उनका जो स्तर है वो विश्व स्तरीय स्तर बने। और इसलिए स्वाभाविक है कि मैं जब जाता हूँ, स्वाभाविक है यहाँ आने का मेरा प्रयोजन केवल और केवल शिक्षा, उच्च शिक्षा के विस्तार और उसको प्रोत्साहन देने।
लेकिन ये भी स्वाभाविक है कि पद की गरिमा के अनुकूल जहां जाते हैं आम जनता को असुविधा होती है। मैं खुद रियलाइज करता हूं इस मामले में बहुत संवेदनशील हूं। मैं दिल्ली में भी जब राष्ट्रपति भवन से चलता हूं 15 मिनट की ड्राइव होती है एयरपोर्ट के लिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि जिस समय सुबह 7:45 और 8:30 के बीच में हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो पीक आवर्स होते हैं, बच्चों के स्कूल का होता है। इसी प्रकार से दूसरे जब हम वापस भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि मेरे को असुविधा होती है तो हो जाए, लेकिन आम पब्लिक को कम से कम असुविधा होती है, लेकिन होती है। और जब असुविधा होती है तो मैं खेद भी प्रकट करता हूं, स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी प्रशासन भी है वो अति उत्साह में बहुत बढ़ चढ़ करके जो पाबंदियां लगा देता है वो इतनी पहले नहीं लगानी चाहिए और लगा देते हैं। अभी जिसका जिक्र हमारे राज्यपाल महोदय ने भी किया था, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आगे बढ़ें और ऐसे बढ़ें कि जिसको दुनिया देखती है। जब कभी मैं अभी मेरा लगभग 1 वर्ष करीब 3 माह पूरा हुआ है तो मुझे करीब लगभग 10 स्थानों पर विदेशी यात्राओं करने का अवसर मिला, और मेरी कोशिश होती है, इस बात को मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि मैं भारत में ही नहीं विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में जाता हूं, बल्कि विदेशों में भी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका जो वर्ल्ड स्तरीय जो उनका यूनिवर्सिटी है उसमें छात्रों को मैं एड्रेस करूं, और मुझे सहयोग मिलता है दुनिया की प्रॉब्लम हो, शिक्षा की प्रॉब्लम से और कई। लेकिन जब जाता हूं तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बाहर जाता हूं तो वहां की यूनिवर्सिटीज को तो मैं एड्रेस कर लेता हूं, और अपने देश में यूनिवर्सिटीज अगर हमारी छूट जाए तो मुझे कुछ आत्मग्लानी होती। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारा स्थान है आज विश्व में, हमारा स्थान वो भारत नहीं रहा है जो 30 या 40 साल पहले हुआ करता था। आज जब मैं किसी से बात करता हूं अपने काउंटर पार्ट से, राष्ट्रपति जी से, कि आपको इंडिया आने के लिए, तो आप सरप्राइज करेंगे, देयर इज वन कंट्री बल्गारिया, उनको जब हमने निमंत्रण दिया प्रॉब्लम तुरंत नहीं होती, रिक्वेस्ट मान ली जाती है, बट इट टेक्स अबाउट 1 या 2 एक फाइनलाइज होने में। इसी प्रकार से हमारी भी यात्रा है, लेकिन ये जो विदेशी यात्राओं में उनका जो शब्द थे उन्होंने ये कहा कि इट इज माई ड्रीम टू विजिट इंडिया। एक ये अच्छा शुभ संकेत है, और इस शुभ संकेत के लिए कोई मेरे लिए शुभ संकेत नहीं बल्कि अपने देश के लिए। और जब मैं देश की बात करता हूं तो उसमें आप सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं या हिमाचल प्रदेश भी है वो उसी देश का एक हिस्सा है। आप जैसे युवाओं पर राष्ट्र निर्माण की बहुत जिम्मेदारी है, मुझे विश्वास है कि, और जब मैं अपने आपके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज बहुत वर्षों से पूर्व परिचित, राज्यसभा में हम दोनों साथ साथ थे, तो आज मैंने इनको कहा कि भारद्वाज जी मुझे तो लगता है भी आपके यहाँ लोगों को बड़ी असुविधा होती है, तो उन्होंने कहा कि साहब असुविधा होती है लेकिन आपके आने के बहुत फायदे हो जाते हैं, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त होता है, सफाई भी होती है। और एक बात जो उन्होंने शेयर की वो मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने कहा राष्ट्रपति जी जब आप आते हैं आप शायद कल्पना नहीं कर रहे होंगे कि जिन हजारों बच्चों को आपके माध्यम से डिग्री या कन्वोकेशन का कन्वोकेशन एड्रेस किया है वो आप उनके लिए लाइफ लॉन्ग इवेंट हो गई है। और अभी जब आप यहां से चले जाएंगे तो ये अनुशासन के कारण सब बैठे हुए हैं, बाकी जब ये बाहर निकलेंगे तो आप इनके उत्साह की सीमा देखिएगा, और ये बात सच है। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूं कि मुझे असुविधा होती है थोड़ी बहुत अपने आम लोगों को असुविधा होती है, उस असुविधा के पीछे ये जो हमारी नई पीढ़ी है जो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, इनको बढ़ने का और मौका मिले। विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि इस जिम्मेदारी को जो आपको मिली है जिम्मेदारी, इसको
पूरा करने की शक्ति और संकल्प आप सबके अंदर मौजूद है। इससे भी आगे भारत को एक उन्नत राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने है। लक्ष्य बड़ा नहीं है, लेकिन लक्ष्य बड़ा है लेकिन असंभव नहीं है। लक्ष्य उन्हीं लोगों का बड़ा होता है जिन्हें अपनी कार्य क्षमता पर अटूट विश्वास होता है। आइए हम सब मिलकर भारत को उन्नत राष्ट्र बनाने में अपना अपना सहयोग दें। धन्यवाद। जय हिंद।